टू प्रिया चौन यूट्यूब चैनल। आज की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में हम पढ़ेंगे वैन, जिसका हिंदी मीन है कब। ठीक है, तो वैन के जो सेंटेंस होते हैं वो किस प्रकार से यूज होते हैं। आज की क्लास में हम वैन पढ़ेंगे और फ्रॉम वैन पढ़ेंगे और वैन ऑल पढ़ेंगे। तीनों टॉपिक जो कब के हैं वो हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो आपको बताना चाहूँगी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि वैन के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल्स लूँ कि आपका जन्मदिन कब है। ठीक है, जब अपन किसी से पूछते हैं आपका जन्मदिन कब है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, व्हेन इज योर बर्थडे। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम बोलेंगे व्हेन इज योर बर्थडे। तो व्हेन किसके लिए लगा है, कब के लिए। ठीक है, और इज के लिए आपका, के लिए योर, और जन्मदिन के लिए बर्थडे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल्स एक और ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ आप कब जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए क्या बनाएंगे, व्हेन विल यू गो। ठीक है, अगर ये होता आप बाजार कब जाएंगे, आप गांव कब जाएंगे, ये सब, तो उसके लिए मार्केट या विलेज ये सब हम लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओनली जाना है इसको, तो जाना ओनली गो हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे हम फ्रॉम व्हेन का। ठीक है, फ्रॉम व्हेन मतलब कब से। ठीक है, कब से। चलिए इसका भी हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि आप कब से इंतजार कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या बनाएंगे, व्हेन। ठीक है, फ्रॉम व्हेन लगेगा इसमें, फ्रॉम व्हेन Have you been? और इसके इंतजार कर रहे हैं तो वेटिंग। ठीक है, देखिए कब से के लिए फ्रॉम वैन लग गया, और आ रही के लिए हैव, और ये कब से कर रहे हैं टाइम दिया तो हैव बीन, और इसके लिए इंतजार के लिए वेटिंग, और यू के लिए आप। ठीक है, तो ऐसा ही एग्जांपल है। तो इसके साथ में अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स बनाते हैं इसका। इसमें रहा रही लगा है, तो अब बिना रहे का लगाते हैं हम एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आप कब से काम शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें रह रही नहीं आया, तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस है, फ्रॉम व्हेन। ठीक है, और इसमें काम शुरू करेंगे तो विल यू स्टार्ट द वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से बनेगा। अब दो टॉपिक अपने कवर हो चुके हैं, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है अपना व्हेन ऑल। ठीक है, व्हेन ऑल कब कब। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ आप कब कब पढ़ते हो। ठीक है, अपन किसी पूछते हैं ना आप कब 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 पढ़ते हो, तो इसके लिए भी हम बनाएंगे व्हेन ऑल डू यू रीड।
क्या फ्रेंड्स? अब रीड कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्टडी लगा देती, तो स्टडी हम नहीं लगा सकते क्योंकि स्टडी उसके लिए लगाते हैं जो अपनी पढ़ाई होती है, जो जैसे कोई कोर्स कर रहे होते हैं स्कूल कॉलेज का या फिर कोई डिप्लोमा कुछ ऐसा कर रहे होते हैं उसके लिए स्टडी बोलते हैं। लेकिन जो अपनी रोज़ की पढ़ाई होती है जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ने के लिए हम रीड का यूज करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं कब कब का। जैसे मैं कहूँ आपने कब कब रोका, ठीक है। तो इसके लिए भी हम सेम बनाएंगे व्हेन ऑल डिड यू स्टॉप, ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से। नेक्स्ट और ले लेते हैं हम एग्जांपल लास्ट, जैसे वे कब कब मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी बनाएंगे व्हेन ऑल विल ही मीट, ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए सारा, ठीक है। जैसे कि कब के लिए लगाएंगे हम व्हेन, जैसे आपका जन्मदिन कब है, व्हेन इज योर बर्थडे, आप कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, फ्रॉम व्हेन के लिए कब से का यूज होगा, जैसे आप कब से इंतजार कर रहे हैं तो फ्रॉम व्हेन हैव यू बीन वेटिंग, ठीक है। और आप कब से काम शुरू करेंगे तो फ्रॉम व्हेन विल यू स्टार्ट द वर्क, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल से अपना व्हेन ऑल कब कब, जैसे आप कब कब पढ़ते हो, व्हेन ऑल डू यू रीड, आप कब कब आपने कब कब रोका तो व्हेन ऑल डिड यू स्टॉप, वह कब कब मिलेगा, व्हेन ऑल विल ही मीट, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आया होगा। तो अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो चैनल लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबा करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि ऐसी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और ऐसी और भी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं इसी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।